रवि बिश्नोई को पहली बार टीम इंडिया में किया गया सिलेक्ट। बिश्नोई ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए जमकर संघर्ष भी किया। अपनी बेहतरीन लेग स्पिन के दम पर सभी को अपना मुरीद बना चुके जोधपुर के रवि बिश्नोई अब देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी लेग स्पिन से दिग्गजों को भी दीवाना बना चुके रवि बिश्नोई का शानदार समय चल रहा है। पहले उन्हें आईपीएल की नई टीम लखनऊ में 4 करोड़ रुपए में अपने पाले में शामिल किया गया। अब उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे और T20 सीरीज के लिए भी दोनों टीमों में शामिल कर लिया गया है। 21 वर्षीय रवि बिश्नोई को वनडे और T20 दोनों ही टीम में शामिल किया गया है। उन्हें पहली बार टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया है, ऐसे में उन्हें अब डेब्यू की पूरी उम्मीद है। बिश्नोई ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए जमकर संघर्ष भी किया है। उनका जन्म 5 सितंबर 2000 को जोधपुर के बिरामी गांव में हुआ था। उनका परिवार आगे चलकर जोधपुर में रहने लगा। उनकी मां ने बताया कि गांव में रहते हुए रवि ने बचपन में खेतों की उबड़ खाबड़ जमीन पर ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जोधपुर पहुंचने के बाद उन्होंने क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लिया और भरपूर ट्रेनिंग ली। जोधपुर के रवि ने कोच प्रघोत सिंह से क्रिकेट की बारीकियां सीखी। एक समय में रवि बिश्नोई का अंडर 16 टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब उनके पिता ने क्रिकेट छोड़ने के लिए कह दिया था। उस समय कोच प्रघोत सिंह ने रवि का साथ दिया और उनके पिता को मनाया। टाइम 8 राजस्थान के लिए जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतज़ार बना है आपके कमेंट्स का।